हेलो वेलकम गाइस। तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि इक्लिप्स का नया वर्जन डिलीट हो गया है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इक्लिप्स का जो नया वर्जन डिलीट हुआ है उसको कैसे डाउनलोड करें, फिर कैसे हम लोग उसको इंस्टॉल करें, और फिर देखेंगे कि जावा का प्रोग्रामिंग हम इक्लिप्स साइड में कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी वे में हम इक्लिप्स में जावा का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं इक्लिप्स डाउनलोड। जैसे ही इसको सर्च करेंगे, इसका पहला वेबसाइट हमको सबसे पहले शो होगा eclipse.org। तो आ जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस तरह से आपके सामने में एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एकदम से दिख रहा है हमको कि डाउनलोड इक्लिप्स। तो इस पर हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, फिर से मेरा एक डाउनलोड बटन शो होगा, इसमें हम लोग फिर से क्लिक कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट ये आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा सूटेबल वर्जन होगा ये डिटेक्ट कर लेगा। तो हमको सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आ गए हम अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो ये रहा मेरा डाउनलोडेड फाइल, इस तरह से क्लिप डाउनलोड होने के बाद मेरा शो होगा। चलिए इसको डबल क्लिक करके रन कर लेते हैं और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि आखिर इक्लिप्स को हमको कौन सी के लिए यूज करना है। तो अगर आप सिंपल जावा का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सिंपल जावा डेवलपर के लिए यूज कर सकते हैं, या जावा इंटरप्राइजेज के लिए यूज करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इक्लिप्स आईडी को सी या फिर सी प्लस के लिए यूज करें तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। आप जिस चीज के लिए इसको यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलेशन समय ही आपको सिलेक्ट करना हो। तो हम सिंपल अभी जावा डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, सिंपल जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी तो अगर आप एडवांस जावा सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना सेकेंड वाला ऑप्शन। हम अभी सिंपल जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि हमको बोला जा रहा है कि जावा का जो जेडीके है वो 17 या से अपर वर्जन मेरे पीसी में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है फिर यहाँ से आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे जावा का जो नया वर्जन रिलीज हुआ है जावा 19 उसको डाउनलोड करेंगे। तो हम देखें यहाँ पे मेरा जावा जेडीके 19 भी लिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और चलते हैं अब हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसको इसका इंस्टॉलेशन देख लें। तो हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दिए तो मेरा इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक मेरा ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जावा का जो है 17 से उससे अपर वाला वर्जन आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए, और सेकेंड बात कि आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। सो मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। चलिए लंच पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हम कि हम जावा में कैसे कोडिंग करेंगे या फिर इक्लिप्स आईडी के मदद से हम जावा का प्रोग्रामिंग कैसे करें। बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ से हमको वर्क स्पेस तैयार करना है कि हम जब कोई भी इक्लिप्स का प्रोग्राम बनाएंगे वो कहाँ पर मेरा बाई डिफॉल्ट सेव होगा। तो वर्क स्पेस बाई डिफॉल्ट ले लिया है तो हम इसी को रहने देते हैं और लंच पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं अपने इक्लिप्स आईडी को। मेरा इक्लिप्स आईडी स्टार्ट हो गया। सो जैसे ही हम लोग इक्लिप्स आईडी ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम इस तरह से आपके सामने में शो होगा। तो हम लोग सिंपल से क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे या नहीं तो फिनिश पे क्लिक करके इसको फिनिश कर लेंगे। और SRC पर क्लिक करेंगे हम लोग न्यू, उसके बाद एक क्लास ऐड कर लेंगे क्योंकि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लास के थ्रू होता है जावा में। चलिए क्लास का भी नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे मेन क्लास जो है इसको चेक कर लीजिए, आप ध्यान से इसको चेक कर लीजिए, उसका फिनिश पे आप क्लिक कर दीजिए। तो फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो मेरा एक नया क्लास बन के यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ देखिए शो भी हो रहा है। तो अब देखिए अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं कोडिंग, सिंपल सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट लिखना है तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बटन को टैप करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, सजेस्ट करेगा कि आपको क्या लिखना है। अगर बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन को दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप स्पेस बटन को दबाइए, आपका वो शो करने लगेगा। देखिए कोडिंग हम लिख कर लिए, एक सिंपल सा कोड लर्निंग लिखेगा मेरा आउटपुट में। चलिए रन बटन पर क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि मेरा ये आउटपुट आ गया है। अब जितनी बार चाहे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए इतनी बार हमको प्रिंट करना था वो प्रिंट कर चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम और भी सारे बहुत सारे कोडिंग किए हैं जावा में, जिसका वीडियो हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल पर, आप चाहे तो उसका प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जाके प्लेलिस्ट पेज में।